मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। लोगों की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाले और भ्रष्टाचार को खत्म करने का जिम्मा लेने वाले डीआईजी अशोक कुमार पर मामला दर्ज किया गया। उनकी तरफ से कुछ ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई जिसके चलते उन पर मामला दर्ज किया गया है। ये वो डीआईजी अशोक कुमार है जो फिलहाल फरार है। डीआईजी के पद पर आसीन अशोक कुमार पर अब पुलिस के गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इंसान की एक गलती उस पर कितनी भारी पड़ सकती है ये डीआईजी अशोक कुमार साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आरोप है कि हरियाणा पुलिस में डीआईजी पद पर तैनात अशोक कुमार ने नशे की हालत में खूब हंगामा किया। नशे में धुत डीआईजी साहब ये भूल चुके थे कि वो कहां और किस हालत में क्या कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ मौजूदा एसपी विजिलेंस और डीआईजी अशोक कुमार ने अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, डीआईजी नशे में धुत था, इस कदर चूर था कि उसने गृह मंत्री के भाई को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। जब डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका था तो डीआईजी साहब फरार थे। कि हमारे पास कल थाना में एक कपिल विज जी द्वारा एक लिखित शिकायत थाना में पेश करी गई थी जिसके आधार पर हमने कार्रवाई की। देखिए, जो भी उनके द्वारा हमारे को शिकायत थाना में दी गई थी, जो उसके कंटेंट्स थे, उनके आधार पर जो धाराएं उन पे लगती थी उनके अनुसार हमने कार्रवाई की है। इस पूरे विवाद के बाद से ही डीआईजी फरार है जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई है। जगह जगह ये टीमें छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस गंभीरता से कर रही है कि हमारे इसमें इन्वेस्टिगेशन में और उनको राउंड अप करने के लिए 5 से 6 टीमों का गठन किया गया जो अपना काम कर रही है। किसके खिलाफ? नहीं, अशोक कुमार जी हमारे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री के भाई कपिल विज और डीआईजी अशोक कुमार एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आरोप तो ये भी है कि उसी दौरान डीआईजी ने नशे की हालत में बिना कुछ सोचे समझे गृह मंत्री के भाई के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया था। अब डीआईजी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल डीआईजी अशोक कुमार फरार चल रहे हैं। पुलिस की तरफ से उनकी धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस कब तक डीआईजी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर पाती है।